मेरे गांव में एक अच्छा भला परिवार हंसी खुशी से पड़ोस में रह रहा था। उसमें एक लड़की लक्ष्मी अभी 18 वर्ष की हुई थी। लक्ष्मी अभी इसी वर्ष सीनियर सेकेंडरी पास हुई थी। उसने पूरे राज्य में मेरिट में टॉप प्रथम स्थान बनाया था। लड़की लक्ष्मी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होनहार थी, परंतु उसके माता पिता ने उसका विवाह एक ऐसे शराबी लड़के से तय कर दिया जो सेकेंडरी स्कूल बाय ग्रेस पास किया हुआ था और वह स्वयं बेरोजगार था, परंतु उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। इसलिए लक्ष्मी के माता पिता ने उस बेरोजगार लड़के से लक्ष्मी की शादी कर दी। शायद लड़का खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर देगा और आगे चलकर बेरोजगार नहीं रहेगा। पर लड़के के सभी मित्र शराबी लड़के थे, क्योंकि वह खुद शराबी था। उसने शादी के बाद बहुत अधिक शराब पीना शुरू कर दिया। फिर तो घर पर शराबी लड़कों को बुलाने और घर पर ही शराब पार्टी करने लग गया। लक्ष्मी आगे पढ़कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही थी, पर लड़के के स्वभाव गलत आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसी उधेड़बुन में कोई युक्ति की तलाश में थी कि एक दिन शाम को अत्यधिक शराबीपन से एक सड़क दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई। लक्ष्मी की शादी को अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ था और वह विधवा हो गई थी। उसकी आत्मनिर्भर बनने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी, चूंकि वह सामाजिक विधवा प्रथा के अनुसार एक विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो चुकी थी। ऐसी ही लाखों लक्ष्मी जैसी होनहार लड़कियों की जिंदगियां भारत देश में बर्बाद हो रही हैं। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा करके सर्वसम्मति से विधवा पुनर्विवाह नहीं करने जैसी कुप्रथाओं को खत्म करके विधवा पुनर्विवाह शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में देश की कोई भी बेटी आत्मनिर्भर बनने से वंचित नहीं रहे, राष्ट्रीय हित में अपना योगदान दे सकें, महिलाओं को पुरुषों के बराबर नौकरी, राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी निभाने के अवसर मिल सकें। जय हिंद।